चलो लेक्चर टू में एंट्री हम करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नोट्स खोल लीजिएगा, जहां छोड़ा था उसी के बाद से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जहां लास्ट टाइम छोड़ा था उसी के बाद से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हेडिंग है वो लिखा है व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस, उस पेज को खोल लीजिए। ठीक है, अब देखिए फॉसिल्स में मैंने आपको बताया कि फॉसिल्स आर द मिसिंग लिंक्स दैट टेल अस दैट हाउ मॉडर्न मैन हैव इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट फेजेस। ठीक है, कैसे, जैसे सबसे पहले रामापिथेकस बना है, उसके बाद बना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद नियंडरथल, नियंडरथल के बाद मॉडर्न मैन। तो ये जो बने हैं इसमें कुछ एनाटॉमिकल या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं बॉडी के स्केलेटन में और बॉडी के मॉर्फोलॉजी में, अब उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप मोटी मोटी तीन बातें करेंगे। इसमें जो कोड है वो है ईटीबी का कोड। ईटीबी, ई बोले तो इरेक्ट पोस्चर, टी बोले तो टीथ या फिर डेंटिशन, और बी बोले तो ब्रेन या फिर क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो जैसे डायग्राम बना हुआ है, जैसे सब बना हुआ है पेज पे, सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन इरेक्ट पोस्चर, दूसरा पॉइंट है डिक्रीज इन द साइज ऑफ द टीथ। अब रामा से ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलो से होमो, होमो से नियंडर, नियंडर से मॉडर्न मैन। इस डायरेक्शन में देखिएगा आपका इरेक्ट पोस्चर अटेन हो रहा है, आपका टीथ घटता जा रहा है, टीथ का साइज, आपका ब्रेन साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो फीचर्स हो रहे हैं ये ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरमेंट और द नीड ऑफ द बॉडी और द यूज डिसयूज थ्योरी एज प्रोपगेटेड बाय लमार्क, जो हम आगे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इरेक्ट पोस्चर, क्या रीजन मैंने दिखाया ब्रैकेट में, टू परसीव डेंजर और टू हंट हंट। ठीक है, अफ्रीका में बहुत बड़ी बड़ी ग्रासें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ग्रासें होती हैं, हाइट से ऊपर थी रामापिथेकस के, उसको उचक के देखना पड़ा कि भाई कोई डेंजर तो नहीं है या फिर कुछ मुझे हंड करना है तो मुझे उचक के देखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो बॉडी थी वो इस तरह से देख रहा था खड़े होके। ठीक है, था वो ऐसे ही, अब बहुत बार ऐसे ऐसे करता रहा, ऐसे ऐसे करता रहा, तो बॉडी जो है ऐसे हो गई। ठीक है, तो इरेक्ट पोस्चर की तरफ बढ़ने की अब पहला दिशा रामापिथेकस ने दिया और ये इसकी प्रेरणा उसको एनवायरमेंट ने दी। ठीक है, अगर सवाना ग्रासलैंड नहीं होते, मतलब ग्रासलैंड एनवायरमेंट नहीं होता, केवल ट्री लाइफ होती, तब तो एप्स बन जाते और एप्स ही रहते हम, इस तरह से ब्रेकेशन करते, एक डाली पकड़ी फिर दूसरी डाली पकड़ी, तीसरी डाली पकड़ी फिर चौथी डाली पकड़ी। ठीक है, हाथों का यूज रहता, पैरों का इतना यूज नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो ग्रासलैंड है, वहां पर आप पैरों का यूज था और हमें अपना खड़ा होना पड़ा। ठीक है, हमें अब खड़े होने की तरफ मुड़ना पड़ा, इरेक्ट पोस्चर अटेंड करने की तरफ मुड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा जिसने इग्नाइट किया कि हम इरेक्ट हों, तो इस एनवायरमेंट की वजह से हम इरेक्ट होना शुरू हुए। रामापिथेकस में हम इरेक्ट होना शुरू हुए, ऑस्ट्रेलो में थोड़ा अच्छा इरेक्ट हुए, होमो इरेक्टस आते आते यहां पहली बार ऐसा हुआ जब हमारा जो मैन है, जो हमारा पास्ट एंसेस्टर है, वो पूरी तरह से खड़ा हो गया। और जैसे ही वो खड़ा होता है वैसे ही उसके दोनों हाथ फ्री हैंडसाइल हो जाते हैं। ये जैसे बॉल घुमाते हो ना, पहले ऐसे नहीं था, ये हाथ पूरे नहीं घूमते थे, ये थोड़े बहुत घूमते थे, अब ये पूरी तरह घूम गए हैं। ठीक है, और वो पूरा खड़ा हो गया है, हाथ पूरे घूम रहे हैं, पूरा खड़ा हो गया है। ठीक है, तो अब वो कल्चर्स बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो आगे बताऊंगा। तो बिगिनिंग ऑफ इरेक्ट पोस्चर इज अटेंड इन होमो इरेक्टस फेज, अभी इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, अभी समझ लीजिए बस, मैं अभी इंट्रोडक्शन में बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बाकी डिटेल में हम जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, टीथ, देखो टीथ का साइड क्यों घटना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मॉडर्न मैन जो हमारा एंसेस्टर है उसने फायर बना लिया था, वो कल्चर्स बनाने स्टार्ट कर दिया था, वो दिमाग के जरिए हंटिंग को ऑर्गेनाइज करने लगा था। ठीक है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्या खाना आसान है क्या आसानी से पच जाता है, ये सोचने लगा था वो। ठीक है, तो इजी फूड की तरफ बढ़ने लगा वो, जो आसानी से चबाया जा सके। तो पहले दांतों को ज्यादा चबाना पड़ता था, जैसे तुम शेर के दांत देखो, चबाता है ना, कच्चा मांस खाता है वो, तो उसके दांत बड़े बड़े हैं, हमारे दांत छोटे हैं, क्योंकि हम जो हैं नॉर्मल खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी इवोल्यूशनरी लाइन उस तरह से है। ठीक है, बात समझ रही, अगर हम आज भी कच्चा मांस खा रहे होते तो मतलब हमारे पूर्वज भी कच्चा मांस खा रहे थे, तो दांत बड़े होते हमारे आज भी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, पर हमारे जो पूर्वज हैं वो धीरे 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 रॉ फूड की जगह कुक फूड की तरफ बढ़ गए, और जैसे जैसे ये डाइट के चेंजेस आए वैसे वैसे दांतों का जो इस्तेमाल है जो पहले हुआ करता था वो उस बेसिस पे उतना नहीं हो रहा था, तो दांतों के साइज कम होते चले। जैसे बोलते हैं ना, अगर तुम किसी चीज में कम यूज करोगे, ब्रेन का कम यूज करोगे तो ब्रेन लेस हो जाओगे, जितना ज्यादा ब्रेन का यूज करोगे उतना ज्यादा तुम्हें दिमाग होगा, ये बोला जाता है, कहावत बोली जाती है, इसकी इंस्पिरेशन पीछे से है। ठीक है, अब जैसे
हाथ फ्री हुए कल्चर बनाए, बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन की साइकिल में मैन फंसा, हमारा पास्ट मैन, तो ब्रेन का यूज ज्यादा कर रहा था, जिसके हिसाब से उसकी ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई। 1400 सीसी से 400 सीसी से 1400 सीसी तक ब्रेन पहुंच गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही है। तो हमने पहले बात की इरेक्ट पोस्चर की, होमो इरेक्टस में इरेक्ट हो गया, नीएंडरथल मॉडर्न मैन इरेक्ट ही रहा। लार्जेस्ट टीथ की बात करी, जो टीथ साइज है वो घटना स्टार्ट हुआ, रामापिथेकस में सबसे बड़ा दांत था और सबसे छोटा दांत आज का मॉडर्न मैन है। बीच में कहीं जैसे ऑस्ट्रेलो है, ऑस्ट्रेलो का दांत जो है वो स्मॉलर देन रामा है बट ग्रेटर देन मॉडर्न मैन है। होमो इरेक्टस का दांत जो है वो स्मॉलर देन रामा है बट ग्रेटर देन मॉडर्न मैन है। अगर मैं किसी का भी पूछूं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूछूं, तो आप बोल लोगे किससे ग्रेटर है किससे स्मॉलर है। ठीक है, अगर मैं इरेक्ट पोस्चर बोलूं कि इरेक्ट इन अ बेटर वे देन रामापिथेकस बट इन अ लेस बेटर वे देन होमो इरेक्टस, इस तरह से कंपेयर कर लेंगे। यही तो कंपेरेटिव अप्रोच की मैं बात कर रहा था। ठीक है, हमको नंबर लेना है, हमको क्या मतलब भाई क्या चीज है क्या चीज नहीं है। नंबर लेने के लिए आपको कंपेरिजन को दिखा देना है वहां पे, कि आपके पास पॉइंट्स बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में आया तो आप लिख दोगे उसमें कि इरेक्ट्स इन अ बेटर वे देन रामापिथेकस बट नॉट इन दैट बेटर वे दैट एज इन होमो इरेक्टस। ठीक है, इट्स हैज अ स्मॉलर साइज देन रामापिथेकस बट इट्स साइज ऑफ द टीथ इज ग्रेटर देन होमो इरेक्टस। ठीक है, नीएंडरथल एंड मॉडर्न मैन, इस तरह से लिखिए। तीसरा जो है क्रेनियल कैपेसिटी, अब ब्रेन का साइज ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब खुद सोचो, रामापिथेकस का जो ब्रेन का साइज है वो कम होगा, ऑस्ट्रेलो का थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करेगा, होमो इरेक्टस और ज्यादा इस्तेमाल करेगा, नीएंडरथल और ज्यादा स्टार्ट करेगा। अब याद रखना, नीएंडरथल का ब्रेन का साइज मैक्सिमम है, ठीक है, मॉडर्न मैन का कम है। नीएंडरथल से बोला जाता है कि नीएंडरथल का ब्रेन साइज है वो 1600 सीसी तक था। ठीक है, अब इसमें जो है ना इवोल्यूशनरी रिवर्सल का प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, एक डॉल्स रूल है, आगे बताऊंगा। डॉल्स रूल बोलता है कि जो इवोल्यूशन है वो कभी इरिवर्सिबल नहीं होगा, वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा, वो एक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखा जाता है कि ब्रेन साइज बढ़ने के बाद घटाए, ठीक है, ये कभी माना नहीं जाता इवोल्यूशन की थ्योरी में। ठीक है, तो डॉल्स रूल का एक्सेप्शन है, अभी दिमाग मत मारो ज्यादा, आगे बताऊंगा व्हाट इज डॉल्स रूल, गॉस रूल्स, बर्जमान रूल्स, सब बताऊंगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि नीएंडरथल में एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन होमो इरेक्टस में भी है जहां पे वो स्पेशल फीचर्स डेवलप करता है। ठीक है, जिसमें उसका ऑक्सीपोटल टोरस, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा डेवलप हो जाता है, और सॉरी ये सुपर ऑर्बिटल रिजेस और ऑक्सीपोटल टोरस, ये दोनों ज्यादा अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर जाते हैं। ठीक है, और क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी थिक हो जाती है, जो स्कल की जो बोन होती है वो थिक हो जाती है। तो दो चार फीचर्स हैं जहां पे एक्सेप्शन हैं इवोल्यूशन के, उनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ऑक्सीपोटल टोरस, हैवी ऑक्सीपोटल टोरस एंड हैवीली फॉर्म सुपर ऑर्बिटल रिजेस टू बैलेंस द हैवी ऑक्सीपोटल टोरस। ठीक है, और थिक बोन, थिक स्कल बोन, ये होमो इरेक्टस का फीचर है। बात समझ में आ रही है? तो होमो इरेक्टस में कुछ एक्सेप्शन है, नीएंडरथल में कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं बताऊंगा। जितने ज्यादा एक्सेप्शन होंगे उतना ज्यादा हमें पॉइंट्स मिलने वाले हैं। नीएंडरथल पे क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे ना एक्सेप्शनल पॉइंट, और होमो इरेक्टस पे पॉइंट क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे ना एक्सेप्शनल पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए, इनके बारे में हम पूरा पूरा एक एक चार चार पांच पांच पेज हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। इतना समझ में आ गया? तो तीन फीचर्स से इरेक्ट पोस्चर कब होगा, ठीक है, और साइज ऑफ द टीथ घट रहा है और ब्रेन साइज बढ़ रहा है, बस ट्रेंड्स याद रखना। अब याद रखो, होमो सेपियंस हमारा आज का मैन है, जिसमें होमो मतलब हैंड बिकम्स फ्री, तो टूल बनाएगा, तो जो टूल बनाएगा वो होमो है। ठीक है, अब होमो सेपियंस, होमो मीन्स टूल मेकर, सेपियंस मीन्स इंटेलिजेंस। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे टूल बनाएगा जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ होमो सेपियंस, वेयर सेपियंस स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस, होमो मींस टूल मेकर। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो। अब एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द इंप्लिकेशंस ऑफ इरेक्ट पोस्चर, जो होमो इरेक्टस ने इरेक्ट पोस्चर अटेन किया। अब कैसे इरेक्ट पोस्चर अटेन किया, मैंने बताया था रामापिथेकस सवाना ग्रासलैंड में थोड़ा सा उचक के देखने की कोशिश करा था, तो वो मतलब समझ लो एपी तो था, वो उचक के देखने की कोशिश करा जिससे उसका इरेक्ट पोस्चर आने की दिशा में मुड़ा, वो थोड़ा सा इरेक्ट होने की कोशिश हुई। यूज डिसयूज थ्योरी लमार्क की बताऊंगा, किसी एक ऑर्गन को इतना इस्तेमाल करो कि वो तुम्हारे बॉडी में अडेप्ट हो जाए, ठीक है, बॉडी का मॉर्फोलॉजी में आ जाए, किसी चीज का इतना इस्तेमाल करो, ठीक है, बॉडी के किसी पार्ट का इतना इस्तेमाल करो कि बॉडी के मॉर्फोलॉजी में वो आ जाए। ठीक है, आगे बताऊंगा लमार्क में जब खोलूंगा इसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरेक्ट पोस्चर अटेन हुआ, ठीक है, आपको पता है एनवायरमेंट क्या था, क्यों था। अब जैसे ही इरेक्ट पोस्चर अटेन हुआ, हैंड्स बिकम फ्री, हाथ फ्री हो गए उसके, हैंड बिकम फ्री फ्रॉम लोकोमोशन। अब लोकोमोशन के लिए हैंड फ्री हुए, ड्यू टू द फ्रीइंग ऑफ हैंड्स, इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन। जैसे हाथ फ्री होंगे वैसे वो कल्चर्स बनाएगा, टूल मेकिंग बिगन, टूल बनाने स्टार्ट होंगे, चॉपर बनेगा, चॉपिंग बनेगा, हैंडेक्स बनेगा, ये सब लोअर पैलियोलिथिक कल्चर्स के पार्ट है,
मैं बताऊंगा, नर्मदा मैन अभी मत टेंशन लो, चॉपर, चॉपिंग, हैंडक्स, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं बताऊंगा सारा। ठीक है, ये बनने स्टार्ट हुए, ये थे सबसे पहले टूल्स जो किसने बनाए, जो होमो इरेक्टस ने बनाया। ठीक है, अब थोड़ा बता देता हूं, जैसे पत्थर होता है तो पत्थर को एक साइड से छील देते थे वो होता था चॉपर, पत्थर को दो साइड से छीलते थे तो होता चॉपिंग, पत्थर को बिल्कुल हर जगह से छील देते थे तो होता हैंड एक्स, जो छील के जो चीजें निकलती थी वो होता था फ्लेक। ठीक है, फ्लेक कल्चर बना, माउस्टेरियन कल्चर बना, वो सब बात की बात है, कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना याद रखना चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कल्चर्स बने वैसे उन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, जैसे ये क्यों कर रहे हैं, ये पत्थर को साइड से क्यों छील रहे हैं, बड़े से पत्थर को धक्का मारेंगे, ठीक है, ताकि नीचे जो मैमूथ होगा या फिर हाथी होगा, बड़े जानवर होते थे ना आइस एज, उस समय टेम्परेचर बहुत कम होता था, जब टेम्परेचर कम था तो बहुत बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। ठीक है, तब वो गिराते थे तो उसके नीचे वो हाथी मर जाता था, पत्थर तभी तो चलेगा जब उसका सरफेस स्मूथ होगा, तो स्मूथ करने की कोशिश करते थे। इस प्रोसेस के ऑर्गेनाइजेशन में और उसमें स्ट्रेटेजी बनाने में दिमाग का इस्तेमाल होता था, बात समझ में आ रही है। तो चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स बनाए उन्होंने, इससे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हुआ, उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आए। ठीक है, स्ट्रेस ऑन थिंकिंग, अपने थिंकिंग लेवल पे स्ट्रेस कर रहे थे क्योंकि कल्चर्स वो बना रहे थे, ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हुआ, बात समझ में आ रही है। अब स्ट्रेस ऑन वोकल पोटेंशियल, अब ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ध्वनियां निकालनी स्टार्ट करी, बोलना स्टार्ट किया, अपने साथ के होमो इरेक्टस से कुछ बोलने की कोशिश करी, जैसे आवाज निकाली हू ही, इस तरह की आवाजें निकालने की कोशिश करी, फिर उनके पैटर्न्स को समझने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये वोकल पोटेंशियल डेवलप होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये वोकल कॉर्ड डेवलप होनी स्टार्ट हुई होमो इरेक्टस में, कल्चर्स बनने के बाद स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं बोलते थे, बोलते थे, आज भी कुत्ता बोलता है, बात समझ आ रही है, पर वो कल्चर्स बना पाता है, नहीं बना पाता है। हमने जब कल्चर्स बनाने स्टार्ट किए तो हमने इन बोलने वाले पैटर्न्स को समझना स्टार्ट किया कि किस तरीके से किस चीज का मतलब क्या होगा। ठीक है, और इससे लैंग्वेज का उदय हुआ, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस ऑन थिंकिंग स्टार्ट हुई, ब्रेन डेवलप हुआ, वोकल पोटेंशियल डेवलप हुआ, वोकल कॉर्ड डेवलप हुई, जॉ का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। ठीक है, अब देखो खाना खाना स्टार्ट कर रहे हैं लोग, खाना जो खा रहे हैं कुक करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चबा कम रहे हैं, मतलब अब जब कुक्ड होगा तो कम दांतों का रोल खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जॉ का स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हुआ, प्रोग्नेथस जॉ हुआ करता था, ब्रेन पीछे था। ठीक है, इस तरह से होता था। अब आगे डायग्राम बना हुआ देखो, नेक्स्ट पेज पे देखो, ठीक है, पीछे की साइड था ये ब्रेन वाला हिस्सा और ये आगे को निकला हुआ करता था। एप को देखो ना, ये आगे निकला होता है और ये पीछे की तरफ होता है, जैसे ये बढ़ेगा, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये आगे की साइड आएगा, जब ये आगे की साइड आएगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगाओ, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा तो ये पीछे जाएगा, तो ये पीछे गया, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है पूरा। ठीक है, आज आप बंदर की तरह क्यों नहीं देखते हो, क्योंकि आपका ब्रेन साइज बड़ा है और ये वाला जो साइज है ना इसका कम यूज किया है आपने। ठीक है, अब दांतों का कम यूज किया है ना, जॉ कैपेसिटी कम यूज हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से डेवलप हुआ है, सब समझेंगे। स्ट्रेस ऑन थिंकिंग, ब्रेन डेवलप हुआ, वोकल कॉर्ड डेवलप हुई, जॉ का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, हीटिंग ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई, कुक्ड फूड आ गया, पका के खा रहे ना, तो बायोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट हुए। कल्चर्स क्या है, आपने फायर बनाई वही तो कल्चर है। अब फिश और फायर का जो कल्चर था कौन सा सिविलाइजेशन में बताया गया था, मिडिल सेवेजरी में बताया था, किसने बताया था, मॉर्गन ने बताया था, याद है, थॉट में पढ़ाया क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में। तो ये फायर का आना, फायर के जरिए फूड का पकना, ठीक है, ये सब तो कल्चर है। ठीक है, पहले क्या था, अब कुत्ता थोड़ी ना या फिर कोई बंदर थोड़ी ना आग लगा के खाना पका के खाता है, इंसान कर रहा था ये। ठीक है, जो इंसान बनने वाला था आज का मॉडर्न मैन, तो इसे जो कर रहा था इसी के करने से ही तो आज का मॉडर्न मैन बैठा है, जो फोन लेके सामने बैठा है आपके, अगर वो ये सब नहीं करता तो आज हम इस लेवल पे सोच पाते जो आज हम सोच पा रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा किया हुआ एक एक काम हमारे ब्रेन को बनाने में काम किया है, जो आज हमारा मॉडर्न मैन का ब्रेन का साइज है, क्योंकि उसके द्वारा जो उस समय उसने काम किए वो ब्रेन पर स्ट्रेस पड़ा, जितना ब्रेन पर स्ट्रेस पड़ा उतना ज्यादा ब्रेन का यूज हुआ, उतना ज्यादा ब्रेन की क्रिनल कैपेसिटी बढ़ती चली गई। ठीक है, और आज का मॉडर्न मैन अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए और तेजी से टूल्स बना रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो कल्चर है इन्वेंशन ऑफ फायर, कुक्ड फूड स्टार्ट हुआ, जैसे खाना पहले कच्चा खा रहे थे तो डाइजेस्टिव सिस्टम उस हिसाब से था, अब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी लोड कम हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, जैसे अपेंडिक्स है कोई यूज नहीं है, पहले हुआ करता होगा, ठीक है, आज उसका सर्वाइवल चला रहा है। इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम ने जो है बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। अब आगे बढ़ते हैं, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है, देखो हार्श एनवायरमेंट है तो कोऑपरेशन चाहिए, जंगल में रह रहे हो ना, हार्श एनवायरमेंट है, कोऑपरेशन चाहिए, कंफ्लिक्ट कम होने चाहिए, तो सोशल रूल्स भी होने चाहिए, तो कल्चरल पैटर्न्स बनने स्टार्ट हुए, कल्चरल रूल्स बनने स्टार्ट हुए, पहले ये लीस्ट ऑर्गेनाइज थे। ठीक है, जैसे जैसे न्यूलिथिक की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे और ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ठीक है, बताऊंगा। ठीक है, हंटिंग और फूड गैदरिंग में नए एक्सपीरियंस आने स्टार्ट हुए, कि कई बार जानवर को ऐसे मारा, कई बार मरते मरते बचे,
ठीक है, स्ट्रेस ऑन ब्रेन आया कि इस तरह से मारेंगे तो जल्दी मरेगा, इस तरह से मारेंगे तो कम देर में मरेगा, इस तरह से मारेंगे तो शायद हम मर सकते हैं, ये स्ट्रेस ऑन ब्रेन है। ब्रेन साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई, क्रेनियल कैपेसिटी दिमाग का जो होता है ना परकच्छा, जो स्कल बोन होती है। डेवलपमेंट ऑफ मोर कल्चर्स, जैसे जैसे ब्रेन साइज बढ़ेगा और कल्चर्स बनेंगे, तो बायोलॉजिकल कल्चर इवोल्यूशन में वो हम लोग फंस के रह गए और उस साइकिल से हम लोग निकले हैं। ठीक है, अब नीचे डायग्राम देखो, फोरहेड प्रोट्रूडिंग इन फ्रंट और जॉ रिसीट बैक्स इन रिएक्शन, अगर ये आगे बढ़ा होगा तो ये पीछे को जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे थे, ये आगे निकला था ये पीछे था, अब ये आगे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा आगे को, क्योंकि हमारा क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रहा है, और ये पीछे क्यों जाएगा क्योंकि इसको हम कम यूज कर रहे हैं, हमारा जॉ स्ट्रक्चर पहले 36 दांत हुआ करते थे हमारे, आज 32 हैं, क्यों 32 हुए, कम क्यों हुए, क्योंकि हमने कम यूज किया है दांतों का। ठीक है, अब मोर बायोलॉजिकल चेंज होंगे तो ज्यादा कल्चरल चेंज आएंगे, क्लियर हुआ, तो डायग्राम को देखो आगे बढ़ो। मैन फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ कल्चरल एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैन अपने आप को फंसा हुआ पाया, जो मैं बता कर चुका हूं। डायग्राम देखो, कल्चरल इवोल्यूशन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसमें शेपना है अच्छे से, और रेफरेंस दे रहा हूं मैं, देखो और क्या क्या हुआ है। ठीक है, बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन के पे क्वेश्चन बनेगा तो ये सब डालना है, ठीक है, बनता ही बनता है, हर 2 साल में रिपीट हो ही रहा है। एंड लास्ट साइज ऑफ ब्रेन, ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बच्चे का ब्रेन साइज बढ़ रहा है, ठीक है, बच्चे का ब्रेन साइज बढ़ रहा है तो चाइल्ड की डिलीवरी भी हो रही है, और जैसे बड़े हुए दिमाग से बच्चा जब पैदा होगा डाउन द एजेस, तो जो प्यूबिक की ओपनिंग है फीमेल में वो बड़ी होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जैसे वो बड़ी होनी स्टार्ट होगी धीरे करके वाइडनिंग ऑफ हिप रीजन, तो फीमेल में हिप रीजन बड़ा दिखता है हमें, ठीक है, क्योंकि वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से हुआ है, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये एक बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया ब्रेन के साइज के बढ़ने के हिसाब से। दूसरी एक चीज और हुई है, ठीक है, विद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड डिपेंडेंसी ऑफ होमिनिड, जैसे आप देखते हैं जैसे भी कोई कुत्ते का बच्चा है या फिर बकरी का बच्चा है, वो पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है कुछ ही टाइम में, ठीक है, 1 दिन 2 दिन, लेकिन इंसान के बच्चे को टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है, ये नेचर है, ठीक है, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की वजह से इस तरह से है। ठीक है, अब प्रोलॉन्ग इन्फेंट डिपेंडेंसी, क्योंकि बच्चे जो पैदा होगा उसको केयर की जरूरत है, स्पेशल केयर की, आज से नहीं बहुत पहले से, ठीक है, आज जो है, अब फीमेल में आप कुत्ते को देखिए या फिर कोई बंदर को देखिए या किसी को भी देखिए, कुछ टाइम तक फीमेल इन्फेंट डिपेंडेंसी रहती है, बाद में वो अपने आप ही चला जाता है या अपने आप ही झुंड में मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांगली पैदा होता है, लेकिन इंसान का बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होता। देखिए, तो प्रोलॉन्ग इन्फेंट डिपेंडेंसी है तो रोल किसका बढ़ेगा, फीमेल का बढ़ेगा, ठीक है, तो मदर चाइल्ड बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है, मदर चाइल्ड, मैंने एलोरीज में पढ़ाया है कि पहला रेफरेंस जो बच्चा लेता है वो मदर चाइल्ड रिलेशन से रहता है और उसी रिलेशन से दूसरे रिलेशन के रेफरेंस को तय करता है, तो सबसे प्राइमरी रिलेशन यही है, मदर चाइल्ड। अब देखिए, अगर मदर केवल बच्चे का ही ख्याल रखेगी तो खाएगी क्या, बच्चे को क्या खिलाएगी, बात समझ आ रही है, तो सपोर्ट फ्रॉम मेल पार्टनर भी चाहिए, नीडेड सपोर्ट फ्रॉम मेल पार्टनर नीडेड, ये कोऑपरेशन है, ठीक है। अब क्या है, मेल फीमेल बॉन्ड स्ट्रेंथ हुआ, ठीक है, अब क्या बोला गया कि मेल जो है वो हंटिंग करने जाएगा, फीमेल बच्चे को संभालेगी, यही डिवीजन ऑफ लेबर बना, मैन हंटिंग करेगा, फीमेल हाउस होल्ड वर्क बनेगी, यही हमारा पेट्रियार्कल माइंडसेट है, यहां से ट्रेस होता है। और आगे बढ़ो, मैन फीमेल मेल फीमेल बॉन्ड हुआ, स्ट्रांग हुआ, ठीक है, अफेक्शन आया, लव फीलिंग आई, तो यहीं से इंस्टीट्यूशन का उदय हुआ कल्चर के रूप में, मैरिज, और मैरिज ही यहीं से बना है, मैरिज बना है, फिर फैमिली का इंस्टीट्यूशन बना है। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ सोशल ग्रुप, इंस्टीट्यूशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ सोशल ग्रुप एकम्प्लिशेस इट्स रोल, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है एक सोशल ग्रुप। व्हाट इज अ सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप इज अ ग्रुप दैट इज कनेक्टेड थ्रू सम सोशल रिलेशन, जैसे फादर मदर, फादर मदर उनके बच्चे, ये एक सोशल ग्रुप है, इनके आपस में एक सोशल रिलेशनशिप है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपना जिंदगी को आसानी से व्यतीत करना, उसके लिए कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन है, मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, बात समझ में आ रहा है, तो यही सब चीजें हैं, तो इसी साइड से कल्चरल रूल्स बने हैं। अब आगे बढ़ता हूं मैं, देखो फीचर्स ऑफ होमो इरेक्टस के बारे में बात करते हैं, फुली इरेक्ट बाइपेडल बना, ठीक है, अपने पैरों पर खड़े होने वाला पहला फॉसिल कौन सा है, होमो इरेक्टस, उसके दांत छोटे हैं, किससे छोटे हैं भाई, ऑस्ट्रेलो से छोटे हैं, नींडथल से बड़े हैं, ये मैं बता चुका हूं, इसमें तो बस मजा कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फेस ऑफ ब्रेन साइज, साइज लार्जर देन ऑस्ट्रेलो, जो ब्रेन ब्रेन का साइज है, और स्मॉलर देन नींडथल, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, बस कंपेरिजन करके अपने पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं, किससे बड़ा है किससे छोटा है, आपको बस ट्रेंड पता होना चाहिए, खुद ही खेल जाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑलवेज फोकस ऑन 3 फीचर्स, ETB, ई बोले तो इरेक्ट पोस्चर, टी बोले तो डेंटिशन, और बी बोले तो ब्रेन, ठीक है।
फेस ऑफ ब्रेन लिखा है, एक ही तरीके से मैं आगे डील करूंगा आराम से, ठीक है। जैसे भाई ब्रेन चेंज होगा ना तो फेशियल फीचर्स भी चेंजेस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं फेस में, ठीक है, वो भी उसी के प्रोपोर्शन में होते हैं, फेस अपॉन ब्रेन का रेशियो होता है, ठीक है, वो चेंज होता है, ठीक है। आपका ये नोज ब्रिज बन रहा है, ठीक है, मीडियन फरो बन रहा है, ठीक है, ये लिप और नोज के बीच का रीजन है, ठीक है, नॉस्ट्रल्स किस तरह से अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है, जॉ किस तरह से निकल रहा है, फेस पर क्या रेशियो है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देयर आर द थ्री इवोल्यूशनरी फीचर्स टू आंसर इवोल्यूशन, ठीक है, थ्री इवोल्यूशनरी फीचर्स हैं जिससे हम आंसर करते हैं, कौन कौन से, इरेक्ट पोस्चर, ठीक है, उसके बाद है डेंटिशन और लास्ट है फेस और ब्रेन साइज, ये इसी से इवोल्यूशनरी ट्रेंड को हम आंसर देते हैं, मेजर यही है, बाकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन में चेंजेस होंगे वो मैं बताऊंगा। नोट, इफ इरेक्ट पोस्चर वॉज नॉट अटेंड, याद रखना, अगर इरेक्ट पोस्चर अटेंड नहीं होता, इरेक्ट जो हमारा होमो इरेक्टस है वो खड़ा नहीं होता अपने पैरों पे सीधा, या हमारा जो रामापिथेकस उस एनवायरमेंट में नहीं होता, वो ड्रायोपिथेकस वाली ही लाइन में रह जाता, तो आज हम बैठे नहीं होते ऐसे, ठीक है। इफ इरेक्ट पोस्चर वॉज नॉट अटेंड देन फॉर्मेशन ऑफ कल्चर्स वुड नॉट हैव बीन एनकाउंटर्ड, इरेक्ट पोस्चर से फ्री हैंड बने हैं, फ्री हैंड से डिफरेंट कल्चर्स बने हैं, एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक इन नेचर बट कंपेरेटिव इन अप्रोच, याद रखना, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन फ्रॉम एवरी परस्पेक्टिव, एंथ्रोपोलॉजी इज द मिरर ऑफ मैन, याद हुआ, चलो। नोट, इन डिस्कशन ऑफ बायोलॉजिकल टॉपिक्स इफ वी राइट अबाउट सोशियो कल्चरल इश्यूज इट वुड सिंपली फेच मोर मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा नंबर में मिलेंगे अगर हम बायोलॉजिकल टॉपिक्स में सोशियो कल्चरल इश्यूज पर बात करेंगे, और सोशियो कल्चरल इश्यूज में अगर हम एक छोटा सा रेफरेंस भी बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव का दे दिए, ठीक है, तब हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे वहां पर भी, तो हमको इंटरलिंकेजेस खेलना है, इसकी बात उसमें करनी है, उसकी बात इसमें करनी है, बस बातें करनी है और नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, ज्यादा स्पेसिफिक मत होना, एकदम स्पेसिफिक नहीं होना, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो कल्चर्स की बात करना ही करना है भाई, ठीक है। इन ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो फिजिकल के साथ सोशियो कल्चर रूल भी समझाना है, ठीक है। बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो सोशियो कल्चर रूल्स भी समझाने हैं, ये नहीं कि हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने में बैठ गए, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन सॉल्व करने में बैठ गए, बात समझ में आ रही है, कुछ भी है मतलब हमको केवल सोशियो कल्चर के रेफरेंस फ्रेम में ही, मापदंड में ही उसके आंसर्स को जस्टिफाई करना है, क्लियर हुआ। अब ये कैसे होगा समझाता जाऊंगा धीरे धीरे, अब आगे बढ़ो। नोट, इन डिस्कशन ऑफ बायोलॉजिकल टॉपिक इफ वी राइट अबाउट सोशियो कल्चर इश्यूज इट वुड श्योरली फेच मोर मार्क्स, इन डिस्कशन ऑफ कल्चरल टॉपिक्स इफ वी राइट अबाउट बायोलॉजिकल इश्यूज इट वुड फेच मोर मार्क्स, जो मैं बात कर रहा था। अब देखो 1987 में क्वेश्चन बनाया, इन ब्रीडिंग, इज इन ब्रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम कंसैग्निटी, कंसैग्निटी मतलब, इन ब्रीडिंग मतलब कंसैग्निटी मतलब बताओ, अगर सेक्सुअल रिलेशन स्थापित की जाती हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन स्थापित की जाती हैं क्लोजली रिलेटेड क्लोज रिलेटिव्स के बीच में, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, ठीक है, क्या ऑफस्प्रिंग्स का जो जीन पूल होगा वो हेल्दी होगा, क्या वो डिजीजेस, क्या उनमें डिजीजेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हमें स्टडी करनी होगी, वो क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। इन ब्रीडिंग स्टडीज इन इंडिया के बारे में काफी सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट लगे हैं, उन्होंने बात करी है, जैसे तमिलनाडु में बोला जाता है कि सबसे ज्यादा इनब्रीडिंग है, नीस मैटरनल अंकल मैरिज, ठीक है, अंकल नीस मैरिज, सॉरी मैटरनल अंकल नीस, अंकल नीस मैरिज याद रखना, ठीक है, अंकल नीस मैरिज बहुत होती है वहां पे, ठीक है। अब इस अंकल नीस मैरिज में क्या होता है, इनब्रीडिंग फॉलो हो रहा है, ठीक है, इनब्रीडिंग फॉलो हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे जो है पॉपुलेशन अनहेल्दी होगी, बट ये पाया गया है कि तमिलनाडु में पॉपुलेशन हेल्दी है, तो इसके क्या रीजंस हैं, क्या वहां पे रिसेसिव जो हार्मफुल जीन है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन 50% है, या फिर डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी मोर देन 50% है, एक ही बात बोल रहा हूँ वैसे मैं, ठीक है, इसको समझना है हमें, ठीक है, ये सब एकदम स्टेटिस्टिकल में है, मैं आगे समझाऊंगा, इनब्रीडिंग जब खोलूंगा, इनब्रीडिंग में भी 50 पेज के नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। इज इनब्रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम कंसैग्निटी की बात हो रही है, इनब्रीडिंग स्टडीज इन इंडिया की बात हो रही है, सोशल रेलिवेंस ऑफ इनब्रीडिंग की बात हो रही है। अब देखो व्हाट इज इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग इज मेटिंग बिटवीन कल्चरली क्लोज रिलेटिव्स इन गारो खासी जयंतिया। अब गारो खासी जयंतिया कहां पर है बताओ, नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है मेघालय वाली। देयर इज अ प्रेवलेंस ऑफ क्रॉस कजिन मैरिज, अब क्रॉस कजिन मैरिज है तो अपने कजिन के मामा की बेटी से शादी, ठीक है, कर लिया आपने, ठीक है, तो आपकी जो शादी है वो इनब्रीडिंग है, ठीक है, मामा की बेटी से शादी।
साउथ इंडिया में मैटरनल अंकल नीस मैरिज, सही बोल रहा था मैं, मामा भांजी के बीच शादी हो गई है, वो भी एक इनब्रीडिंग की प्रैक्टिस है। मुस्लिम में पैरल कजिन मैरिज है, ठीक है, पैरल कजिन समझ रहे हैं, चाचा की बेटी से शादी कर ली आपने, ठीक है, बात समझ रहे हैं, या फिर आपने मौसी की बेटी से शादी कर ली, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। बायोलॉजिकल एविडेंस शोज दैट इनब्रीडिंग इज हार्मफुल, बायोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं कि इनब्रीडिंग हार्मफुल है, इट लीड्स टू मोर्टेबिलिटी, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, किसी की एक उंगली नहीं है, ठीक है, और भी काफी सारे फीचर्स हैं जिससे आप बताते हैं कि ये इनब्रीडिंग का शिकार है, ठीक है। अब हार्मफुल रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसका मतलब इनब्रीडिंग कहीं है, ठीक है, ये क्या है मैं बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेने का, बस अभी कॉन्सेप्ट को समझ रहा, अभी बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। अब इसका सोशल रेलिवेंस जो इंपॉर्टेंट है आंसर में डालना जरूरी है, देर इज अ नीड टू अवॉइड सच मैरिज, इस तरह की मैरिज को अवॉइड करो। अभी पता है यूके में एक बिल भी आया था, ब्रिटेन में, उसमें यह बोला गया था कि हम इस तरह की मैरिज जो इनब्रीडिंग को प्रैक्टिस कर रही है इसको बैन करते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हम अपनी फ्यूचर पॉपुलेशन को जियोपार्डाइस में नहीं डाल सकते, ठीक है, बात समझ रही, हमको हेल्दी जेनेटिक पूल, हेल्दी जीन पूल प्रमोट करना है, हमें यूजेनिक्स, ये यूजेनिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, हेल्दी जेनेटिक पूल पॉपुलेशन, हेल्दी जीन पॉपुलेशन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, हमें इस तरह की पॉपुलेशन चाहिए जो हेल्दी हो, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने इनब्रीडिंग प्रैक्टिसेस को जो कल्चर्स प्रमोट कर रहे थे उन पे बैन लगा दिया, ठीक है, तो ये किस हद तक ठीक है या किस हद तक गलत है, यही तो हमारा सोशल रेलिवेंस है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। अब सुनो, देर इज अ नीड टू अवॉइड सच मैरिजेस, कीपिंग इन व्यू ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, पीपल शुड बी परसुएडेड नॉट टू बी मैरी, नॉट टू मैरी क्लोज बायोलॉजिकली रिलेटेड रिलेटिव्स, हमको बिल्कुल क्लोजली रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव से मैरिज नहीं करनी है, ये बोल रहा है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दिस इज सोशल एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो कल्चर्स बने हैं ना, कहाँ पे, गारो खासी जयंतिया में मामा की बेटी से शादी, या फिर साउथ इंडिया में मामा भांजी के बीच में शादी, कस्टम्स ऑफ मुस्लिम्स में पैदल कसिन मैरिज, इन पे सीधा सीधा चोट है। अब अगर आप कल्चर्स पे चोट मारोगे, ठीक है, तो सोसाइटी की आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी, ठीक है, लगाओ रेड क्लिफ ब्राउन का यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तो इनमें लड़ाई हो जाती है, तो ये है इंटरलिंकेजेस, ये डेवलप करने हैं, क्लियर हुआ। चलो, ऑल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड मैक्सिमम क्या है, वो एक्सोगैमी प्रैक्टिस करती हैं, किसमें, अपने गोत्र के बाहर शादी करती हैं, ठीक है, गोत्रा, गोत्रा के बाहर शादी करते हैं, तो इसका मतलब ये एक्सोगैमी है, बट विद इन कास्ट, कास्ट एक बड़ा एंडोगैमी फीचर है, लेकिन गोत्रा के बाहर, अगर गोत्रा के बाहर है तो इनब्रीडिंग कम है, अगर विद इन गोत्रा भी अलाउड हो जाता, गोत्रा बताऊंगा अच्छे से, तो अब ये इनब्रीडिंग अच्छी तरह से हो जाता, वैसे इनब्रीडिंग अभी भी है, जो विद इन कास्ट मैरिजेस होती हैं वो भी इस तरह का इनब्रीडिंग प्रैक्टिस ही है, पर वो उसमें जो जीन पूल फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा डिस्टेंट है, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन जैसे सपोज करो, ठीक है, एक बड़ी पॉपुलेशन है, उस बड़ी पॉपुलेशन कास्ट पॉपुलेशन है, उसमें एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप जिसका गोत्र G1 है और दूसरा कास्ट ग्रुप जिसका गोत्र G2 है, ठीक है, अब ये दोनों गोत्र जो हैं इनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है, अब इनके लोग आपस में अगर मेटिंग करते हैं तो उसमें इनब्रीडिंग इतना क्लोज नहीं है जितना विद इन गोत्र करेंगे, ठीक है, तो ये गोत्र का प्रिंसिपल जो है एक्सोगैमी को प्रमोट कर रहा है, और ये भी एक हेल्दी पॉपुलेशन है, तो यहां पे सोशल रेलिवेंस आ गया, किस तरह से इनब्रीडिंग को रोका है, ठीक है। एक है इनसेस्ट तबू, इनसेस्ट तबू क्या मतलब होता है कि अब जैसे एक फैमिली में फादर है, मदर है और दो बच्चे हैं, ठीक है, एक लड़का है एक लड़की है, अब जो लड़का है वो मदर के साथ सेक्स ना करे, जो लड़की है वो फादर के साथ सेक्स ना करे, जो लड़का लड़की है, जो भाई बहन है, वो आपस में सेक्स ना करें, इस पे प्रतिबंध लगा है, ठीक है, और ये पहले से लगा हुआ है, ये सबसे ग्रॉस इनब्रीडिंग है, ठीक है, ये क्लियोपाट्रा वाला जो था ना, ये वाली इनब्रीडिंग है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये टैबू है सोसाइटी में, इसके बारे में हम बात भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह के रूल्स पहले से बने हुए हैं जिसने इनब्रीडिंग को रोका है, तो एक्सोगैमी आउटसाइड गोत्र वाला और इनसेस्ट तबू, ये दोनों हैं सोशल रेलिवेंस में आप डालेंगे इनब्रीडिंग में, क्लियर हुआ। इनसेस्ट इज मेटिंग बिटवीन कल्चरली वेरी क्लोज रिलेटिव्स, मतलब ब्रदर और सिस्टर आपस में सेक्स करते हैं, मेटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटी, सारी सोसाइटी की बात करूं, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स रिलेशंस बिटवीन ब्रदर सिस्टर मदर सन फादर डॉटर एग्जिस्ट, ठीक है, और यही है इनसेस्ट तबू, ठीक है, ये किसी ने सोचा था, ये पहले से ही कल्चरल रूल चला रहा है जिसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आज हमें मिला है 20th सेंचुरी में आफ्टर सिंथेटिक थ्योरी, जब इनब्रीडिंग पे रिसर्च हुई, ठीक है, तो कई सारे चीजों का सॉल्यूशन जो आज हम देखते हैं वो हमारे पास्ट में है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम रीजंस देखते हैं, क्या रीजंस दिए सोसाइटी ने
इस हिसाब से ये इंसेस्ट तबू वगैरह बने हैं। सबसे पहला है कि सोशल एलिमेंट्स, अगर सेम्स ये जो हमारा जो फैमिली के अंदर जो सिंपल न्यूक्लियर फैमिली है, जैसे है ना ब्रदर सिस्टर मीटिंग करवा देते हैं या फिर फादर मदर, ठीक है, फादर और डॉटर की मीटिंग अलाउड हो जाती है, तो इससे क्या होगा, इससे कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे फैमिली में और कंपटीशन बढ़ेगा। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पे फादर और सन मेल हैं, मदर और डॉटर फीमेल हैं, अगर फादर और सन सेम सेक्स पार्टनर के लिए कंपीट करेंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा नहीं होगा, तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन खतरे में आ गया नहीं आ गया। तो फैमिली के इंस्टीट्यूशन को बनाए रखने के लिए और फैमिली का रोल जो सोशलाइजेशन का है, सोशल आइडेंटिटी को रीइन्फोर्स करने का है, वो चलते रहे, उसके लिए इंसेस्ट तबू लगा हुआ है। रीजन ये था, ठीक है, और बायोलॉजी ने इस रीजन को सब्सटेंशिएट किया है अपनी इनब्रीडिंग के जरिए। उसने बोला कि इनब्रीडिंग इज हार्मफुल, इट लीड्स टू मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। क्लियर हुआ? एंड इफ देयर इज कंपटीशन एंड कंफ्लिक्ट ओवर सेक्स देन व्हाट वुड हैपन, ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन, फैमिली खत्म हो जाएगी। इफ फादर एंड सन कंपीट्स फॉर द सेम सेक्स पार्टनर इन द फैमिली, सो टू अवॉइड सेक्सुअल कॉम्पिटिशन अमंग क्लोज रिलेटिव्स, टैबू हैज बीन इम्पोज, टैबू रखा गया है, ठीक है। बात मेरी, टैबू मतलब गलत है, बिल्कुल ये प्रैक्टिस नहीं करना है, इमोरल है, प्रोफेन है, एक तरफ सेक्रेट होता है एक तरफ प्रोफेन होता है ना, टैबू उसी को बोलते हैं, प्रोफेन गलत है, जिसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, एकदम गलत है। बात समझ मारिए, क्यों गलत है आप भी जानते हैं, ठीक है। टू अवॉइड कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू डेवलप स्टेबिलिटी इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इंसेस्ट टैबू इज मस्ट। अब याद रखना, डोंट बायोलॉजाइज एंथ्रोपोलॉजी, डेवलप थिंग्स होलिस्टिकली। इसलिए बोल रहा हूं कि अब इनसे सब में ये मत करने बैठ जाना कि एक्स वाई बनाने बैठ गए, ठीक है। आपको सोशल एलिमेंट्स खोजना है बस, ठीक है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जितना सोशल एलिमेंट्स खोजेंगे ना उतना ही नंबर मिल जाएगा, क्योंकि चेक करने वाले को सोशल एलिमेंट्स पे ही नंबर दे रहा है, फिजिकल आस्पेक्ट्स में नंबर नहीं देगा, वरना सारे डॉक्टर एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके बारे ये जो है ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए।